आप दवा से संतुष्ट हो? हाँ सर। अच्छा, एक चीज बताओ, पहले तुम्हें मतलब मुख्य परेशानी क्या थी मंडी में? मुख्य परेशानी सर हाथ उठाने में दिक्कत था सर, तो अभी तो वैसे अब थोड़ा बहुत तो कुछ लगता है, हाथ तो नहीं उठ रहा है लेकिन लग रहा है कुछ भी हल्का हल्का तो कुछ लग रहा है। ठीक ठीक, मतलब आपको एहसास होने लगा कि दवा काम कर रही है? जी सर। अच्छा, पेट और कैसा रहता है? सब सर अब पेट बिल्कुल ठीक है सर, इस बार दवा भेजे हैं, बहुत बढ़िया लगा सर। चलो, अब तुम्हें भरोसा हो रहा है ना कि दवा एमएनडी में काम करती है? हाँ सर, भरोसा तो अभी तक तो भाई देखो, दिक्कत लग रही थी कि सर एमएनडी में आराम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तुम बहुत निराश भी थे। जी सर। है ना? जी सर। अच्छा, तो ये बताओ, हमारी दवा से तुम औरों को कुछ मैसेज देना चाहोगे? जरूर देंगे सर। क्या देना चाहोगे? वैसे तो यही देना चाहेंगे कि ये तो एक गंभीर बीमारी है लेकिन इसमें होम्योपैथिक में संभव है इसका इलाज, थोड़ा कुछ सुधार लग रहा है, आगे जैसा होगा फिर आगे बढ़ते हैं। देखो, जहाँ एलोपैथी कहती है सीधे सीधे कहती है, आप भी बहुत बड़े बड़े हॉस्पिटलों में दिखाए हो, ईएमसीएच में दिखाए थे ना पटना? जी सर, हम तो सर पीजीआई चंडीगढ़ दिल्ली हम हर जगह दिखाए हुए हैं सर। हर जगह तुमको यही ना कहा गया था कि इसका कोई इलाज नहीं है? जी सर। और आप, और जो वहाँ जो दवा लिखते थे उससे तो और बढ़ता ही था। हाँ, जैसे पहले एक हाथ में था और दिखाने के बाद वहाँ जो लिखे रिलीटोर 50 mg, तो उससे तो सर वो खाने के बाद तो दोनों में हो गया, दोनों हाथ में। और जब वहाँ कहते थे डॉक्टर साहब से, तो कहते थे जी इससे कोई, इससे दवाई से कोई फर्क नहीं पड़ता है, ऐसे ही बढ़ता है और इसका कोई कारगर इलाज है नहीं। देखिए, एलोपैथी डॉक्टर जो है सोचता है कि हमने चिकित्सा विज्ञान को खरीद लिया है, समझो? जी सर। वो जी कहता है कि इसका कोई इलाज ही नहीं। अरे भाई, तुम्हारे पास इलाज नहीं है तो दुनिया में थोड़े ना ऐसा है। हम लोग उसी, देखो आज आप लोगों की बातों को हम लोग इसलिए सबके सामने रखते हैं कि आप और मरीजों के लिए प्रेरणा बने, और दूसरी साथ ही साथ हम लोग तो सरकार से और प्रशासन से भी, समझ रहे हो ना? जी जी, प्रशासन से भी हम चाहेंगे कि अगर हमें अवसर मिलेगा तो आप लोगों की इन्हीं चीजों को रख करके और एक चिकित्सा जगत में नई क्रांति लाई जाएगी, और लाई ही जा रही है। जी सर। भाई, जहाँ तुम एम्स में, कहाँ कहाँ चंडीगढ़ और हर जगह से उन्होंने यही कह रहे थे कि इसका इलाज नहीं है, और आज हम आपको फायदा दे रहे हैं, आप जैसे सैकड़ों मरीज हमारे मतलब बिल्कुल संतुष्ट हैं, तो आप बताओ कि इसको सही माना जाए कि नहीं? सर, इसको तो बिल्कुल सही माना जाए सर, हम इसका दवा ले रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है सर। अच्छा लग रहा है ना? आप ये बताओ कि अगर तुम्हारे यहाँ कोई मरीज फोन करे कि ओम प्रकाश जी, बताओ तुम्हें दवा से कैसा लगा, तो उनको तुम कुछ क्या कहना चाहोगे? नहीं बताएंगे सर, हमको तो अच्छा लग रहा है, कुछ आपको आप अपना नंबर बताइए, और आपको अगर कोई फोन करे तो आप जरूर, भाई देखो एमएनडी जैसे संवेदनशील बीमारी, जहाँ पे देखो ईश्वर न करे कि इस तरह की बीमारी किसी को हो बच्चा, लेकिन जिसको जिसको हो जाता है, और अगर ये मान के चलो कि हम तो कहते हैं कि 100% नहीं, हम 40-50-60% भी उसको आराम मिल जाए, अगला अपना नित्य क्रिया कर ले, हाथ उठा ले, बोल ले, थोड़ा बहुत चल ले, जहाँ बिस्तर पे पड़ा है उसको अगर इतना ही फायदा हो जाए तो सोचो उसके जीवन में कितनी बड़ी मतलब बदलाव आ जाएगा। जी सर, बहुत बदलाव आएगा। तो आप अपना जरा नंबर बताओ, जो नंबर तुम्हें रेगुलर मतलब चलाते हो, और कोई पेशेंट तुम्हारे यहाँ जो उनको एमएनडी है फोन करेगा तो उसे आप होम्योपैथी दवा के बारे में, और मान लो हमारी दवा के बारे में आप उसे बता सकते हो। जी सर, नंबर बताओ लिखिए। 8986
19 19 65 65 42 42। ठीक, और कोई नंबर है इसके अलावा? नंबर तो है तो सब, लेकिन ऐसे चालू यही रखते हैं। अच्छा, और यही नंबर तो जो है जियो का, जियो का नंबर। जी चलो ठीक है। ठीक है ओम प्रकाश, आप कहाँ से? वैशाली, बिहार से हो ना? जी 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 सर। बिहार में वैशाली, वैशाली में मतलब कौन सी तहसील और ब्लॉक लगता है, थोड़ा पूरा एड्रेस बताओ। महुआ, महुआ। अच्छा महुआ, अरे तो बड़ा फेमस जगह है भाई महुआ चैनल भोजपुरी का है। जी तो ठीक है, ठीक है ओम प्रकाश, मैं जो तुम्हारी बीमारी की शुरुआत हो गई ठीक होने की, और जो भी कमी रही हुआ मैं धीरे धीरे सही कर दूंगा। आप भरोसा बनाए रखना ईश्वर पे, हमारे पे, भगवान पे। ठीक है, भरोसा सर हमको पूरा भरोसा हो गया है सर। चलो ठीक है, बस यही बाबू, भरोसा ही दुनिया में सबसे बड़ी चीज है। आज के डेट में भरोसा ही नहीं हो पाता है, जहाँ भरोसा हुआ वहाँ पे तो सफलता निश्चित रूप से मिलनी। ठीक है, हाँ तो सर हमको तो सर भरोसा हो गया आप पर सर। चलो ठीक ठीक बच्चा, हम जो है तुम्हारी दवा दूसरी वाली भिजवाता हूँ। ठीक है जी, ठीक 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 है बच्चा, ओके ठीक है सर, प्रणाम प्रणाम प्रणाम।